हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी दूंगा। अम्ल, लवण और क्षार के बारे में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सीपैट, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, टीईटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल साइंस, केमिस्ट्री और साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक बताया जा रहा है, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये इसके बारे में जो चैप्टर है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट इस चैप्टर का नाम है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षारक और लवण में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो सभी रासायनिक यौगिक होते हैं उनको उनके रासायनिक गुण के आधार पर हम अम्ल, क्षारक और लवण में वर्गीकृत कर सकते हैं। इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो इन यौगिकों को दूसरे यौगिकों से अलग करते हैं। जैसे जंतुओं तथा मनुष्यों के अधिकांश पाचक रसों में अम्ल होते हैं। जंतुओं एवं मनुष्यों के जो अधिकांश पाचक रस होते हैं उसमें अम्ल होते हैं एवं भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद इसमें उपस्थित अम्ल या क्षारक के कारण होता है। जो हमें भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद लगता है वो उसमें उपस्थित अम्ल या क्षारक के कारण होता है। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एसिड, अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? सिरके, सिट्रस फल, नींबू, संतरा आदि तथा इमली में क्रमशः एसिटिक, सिट्रिक तथा टार्टरिक उपस्थित होते हैं। सिरका जो होता है, सिट्रस फल जो होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा आदि, और इमली में एसिटिक, टिट्रिक तथा एसिटिक, सिट्रिक तथा टार्टरिक उपस्थित होते हैं जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इन अम्लों के अतिरिक्त तो कुछ अन्य अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि होते हैं। तो क्षारक के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, पहले यहाँ पे अम्ल के प्राकृतिक स्रोत के बारे में जानकारी थी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एसिड। अब क्षारक के प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ बेसिस के क्या होते हैं? चूना, खाने का सोडा, प्रति अम्ल तथा कपड़े धोने का सोडा में क्रमशः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। कुछ अन्य क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो ये क्षारक के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अम्ल और क्षारक की पहचान करना। अम्ल और क्षारक की कैसे पहचान करेंगे? आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस को कैसे पहचानेंगे? प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर पर प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया। तो प्रारंभ में जो पदार्थ थे उनको उनके स्वाद और लिटमस पेपर पर प्रभाव के आधार पर अम्ल और क्षारकों में वर्गीकृत किया गया था। इस सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल पहले जो सिद्धांत था उसके अनुसार जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते अम्ल कहलाते हैं। तो आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते अम्ल कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। वे पदार्थ तो सभी अम्ल जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होता है। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक वो पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद जो होता है वो तीक्ष्ण या कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है साबुन। साबुन जो होता है ये एक क्षारक होता है। आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में, आरहेनियस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं
क्षारक या भस्म कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला है धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, ZN, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करते हैं। जिंक ZnS+H2SO4, ये एक्वेस सॉल्यूशन है इसका। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, इसका जो एरो बनेगा, जो केमिकल रिएक्शन होगी, ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वेस प्लस H2 ग्राम में हाइड्रोजन। सेकेंड है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल एरो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल एरो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उदाहरण है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस टू एच सी एल एक्वेस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो CaCl2 एक्वेस कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O लिक्विड जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है थर्ड पॉइंट है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों, क्षारीय ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल एरो लवण प्लस जल। उदाहरण CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस TuHCl एक्वेस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो CaCl2 एक्वेस कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O जल। नेक्स्ट टॉपिक है क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्षारकों के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहला है धातु के साथ क्रिया, प्रबल क्षारक सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अतः क्षारकों को धातु पात्रों सक्रिय धातु में नहीं रखना चाहिए। तो धातु के साथ जो क्रिया करके प्रबल क्षारक जो होते हैं, ये सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अतः क्षारकों को धातु पात्रों सक्रिय धातु में नहीं रखना चाहिए। इसका जो है इक्वेशन है, प्रबल क्षारक प्लस सक्रिय धातु एरो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ZnS जिंक प्लस TuNaOH एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2ZnO एक्वेस सोडियम जिंक जिंकेट प्लस H2 ग्राम में हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है अधात्विक, थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारक अधातु ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। क्षारक प्लस अधातु ऑक्साइड एरो लवण प्लस जल, CO2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH2 एक्वेस बुझा हुआ चूना, एरो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ग्राम प्लस H2O लिक्विड में जल। थर्ड है क्षारकों अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण TuAlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो Al2SO4 3 एल्युमिनियम सल्फेट प्लस 6H2O जल। फोर है प्रबल क्षारकों को जल में विलय करने पर यह पूर्णतः आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। इसके विपरीत दुर्बल क्षारक जलीय विलयन में प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम आयनित होते हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O जल। इसका रिएक्शन है NH4 प्लस एक्वेस अमोनियम आयन प्लस OH हाइड्रोक्साइड आयन। कुछ क्षारक गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एरो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O जल। नेक्स्ट है आयनीकरण, आयोनाइजेशन। अम्लीय क्षार को जल में मिलाना आयनीकरण कहलाता है, जिसके फलस्वरूप प्रति इकाई आयतन में H3O+ OH- आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। इसे ही तनुता कहा जाता है। जब अम्ल या क्षार
क्षारक को जल में मिलाया जाता है तो अणु वियोजित होकर आयन बनाते हैं, HCl+H2O + HCl- +HCl- H2O + H+ Cl- H3O+ हाइड्रोनियम आयन, या HCl+H2O H3O + Cl- NaOH, क्षार H2O Na+ AqOH- AqS। क्या सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? आर ऑल द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट आर एसिड्स? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणु के आयनन के पश्चात हाइड्रोजन प्लस आयन बनते हैं, जबकि ग्लूकोज विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं बनते, अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है वे अम्ल ही होते हैं। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? डज एसिड प्रोड्यूस आयन्स ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन? जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, अर्थात H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। किसी अम्ल या क्षारक को जल में विलय करने के पश्चात प्राप्त जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है, क्योंकि अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं, जिससे क्षारकों का जलीय विलयन OH- आयन देता है। उदाहरण है HCl+H2O + H3O + Cl- H++H2O H3O + NaOH H2O। पानी की उपस्थिति में सोडियम एक्वेस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन एक्वेस। अम्ल तथा क्षारक अपने जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का प्रभाव करते हैं। अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल? हाउ मच द एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्गर? हम विलयन में हाइड्रोजन प्लस अथवा हाइड्रोक्साइड OH- आयनों के आधार पर उनकी अम्ल या क्षार के रूप में पहचान करते हैं। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? क्या है पीएच मान? अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन ने 1909 में एक पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पी का तात्पर्य पोटेंश शक्ति है, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की मात्रा कितनी है यह पीएच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पीएच स्केल से सामान्यता 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारिता तक पीएच ज्ञात किए जा सकते हैं। पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लता अथवा क्षारिता को दर्शाती है। किसी विलयन के पीएच को ज्ञात करने एवं तुलना करने के लिए हम सावित्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सावित्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। इसकी सहायता से किसी अम्लीय व क्षारीय विलयन की प्रबलता ज्ञात की जाती है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन सांद्रता बढ़ते क्रम में, OH हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे अम्लीय क्षारीय और उदासीन 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अम्लीय, 7 पे उदासीन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पे क्षारीय। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, क्या महत्व होता है दैनिक जीवन में? इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को निम्न उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला है पौधे एवं जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में भी जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जब नदी के जल का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। सेकंड है मृदा पीएच। अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप में विकसित होते हैं जब मृदा की पीएच 7 के निकट होती है, अर्थात सर्वप्रथम मिट्टी की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका पीएच परीक्षण करते हैं। इसके बाद इसके विशेष फसल को उगाते हैं। मिट्टी की पीएच ज्ञात होने पर विशेष फसल के लिए उर्वरक चुनना सरल हो जाता है। थर्ड है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे उदर में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोराइड पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस बिगड़ी हुई पीएच परिसर को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को औषधि के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं क्योंकि यह अम्ल के प्रभाव या अम्लता को कम कर देती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत 6 दांतों का इनेमल दंत बल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। जो दांतों का इनेमल होता है दंत बल्क जिसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है।
मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसका कारण मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया है, जो कि भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट खाद्य पदार्थों का निर्मीकरण करके जल उत्पन्न करते हैं। दांतों का क्षय को रोकने के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं। अब लवण के बारे में जानकारी है। लवण साल्ट किसी अम्ल या क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। इस क्रिया में लवण के साथ जल H2O का निर्माण भी होता है। उदाहरण अम्ल प्लस क्षार एरो लवण प्लस जल HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O। HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण है और H2O जल है। RNA सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर वह यह अपने अवयवी आयनों में विघटित हो जाता है तथा लवण के जलीय विलयन में धनायन कैसन व ऋणायन एनियन उपस्थित होते हैं। साधारण नमक NaCl में क्षारीय मूलक सोडियम प्लस प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड Na सोडियम हाइड्रोक्साइड से तथा अम्लीय मूलक क्लोरीन माइनस प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आते हैं। इस प्रकार प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से भरे लवण के विलयन की प्रकृति उदासीन होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको अम्ल क्षार और लवण के चैप्टर के बारे में जानकारी दी है। अगले वीडियो में इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 19 प्रश्न है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।